कुख्यात बुकी सोंटू जैन मामला पिछले 3 महीने से सुर्खियों में है। इससे पहले जब नागपुर पुलिस ने सोंटू जैन के घर की तलाशी ली थी तब 17 करोड़ नगद, 12,500 किलो सोना और 300 किलो चांदी जब्त की गई थी। अधिक जांच की गई है और आरोपियों की संख्या में वृद्धि हुई है जिसमें गोंदिया के डॉक्टर बग्गा भी शामिल है। कहा जा रहा है कि इस मामले में और भी लोग शामिल हैं क्योंकि बग्गा और एक्सिस बैंक के मैनेजर के पास से 70 लाख रुपए कैश और 2 किलो सोना भी बरामद हुआ है। लेकिन जब जिले के कुछ नेता इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर देते हैं, जब प्रफुल्ल पटेल से मीडिया ने इससे जुड़ा सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है कि सोंटू जैन जैसा मामला गोंदिया जिले में हुआ और जिस तरह से यह इतने बड़े को कवर करता है वो निश्चित रूप से गंभीर विचार के योग्य है। ये दृढ़ राय बना लें कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उचित कार्रवाई अवश्य की जाना चाहिए, ऐसा प्रफुल्ल पटेल ने कहा। पटेल ने कहा कि चूंकि यह मेरे जिले का मामला है इसलिए मुझे इस मामले की जानकारी मिली और मुझे जो जानकारी मिली उसके अनुसार ऐसे लोगों को जांच टीम ने फंसाया है जिनका तिलमटर से कोई संबंध नहीं है। करीब 500-600 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मेरा मानना है कि इसमें बहुत सारे लोग शामिल नहीं है, लेकिन जो भी इसमें शामिल है या शामिल है, मेरी राय है कि जिन लोगों ने अनजाने में बड़े वित्तीय लाभ के लिए इसमें भाग लिया है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर ऑनलाइन गेमिंग 2 प्रकार की होती है। किसी के पास कौशल आधारित गेमिंग का विरोध करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन दूसरे प्रकार का सीधा संबंध ऑनलाइन गेमिंग में जुए से है। निसंदेह इस पर अंकुश लगाना जरूरी है, खासकर आज के युवा जिनके हाथों में स्मार्टफोन है वे जुए की ओर आकर्षण के रूप में जा रहे हैं। कुछ लोगों को इसकी आदत होती है, भुगतान UPI के माध्यम से किया जाता है, इसके चलते ऑनलाइन गेमिंग में गलत काम के मामले बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि आज इसे तत्काल कवर करने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। नहीं, ऐसा है कि यह प्रकरण सीरियस है आणि ज्या पद्धतीनं एवढा मोठ्या प्रमाणात आणि त्याचा व्याप जो आहे नक्कीच म्हणजे त्याच्यामध्ये दखल घेण्यासारखं आहे, योग्य कारवाई झालीच पाहिजे। पण जे लोक म्हणजे ज्यांचा संबंध नाही कुठे आहे अशाही लोकांच्या बाबतीत म्हणजे आम्हाला समजलं म्हणजे सांगण्यात आलेलं आहे की 500-600 लोकांना बोलवलं गेलं आहे। एवढे लोक नसतीलच, ठीक आहे, जे कोणी दोषी असेल नक्कीच त्याच्यावर सख्त कारवाई झाली पाहिजे। ऑनलाइन गेमिंग हे नक्कीच म्हणजे त्याचे 2 प्रकार आहे, एक स्किल गेमिंग आहे त्याचा कोणाला विरोध करण्याचं कारण नाही, पण जे सरळ सरळ म्हणजे जे गॅम्बलिंग आहे जुगार आहे त्यांना तर नक्कीच आवडण्याची गरज आहे। आणि खास करून आजच्या काळात तरुण सगळ्यांच्या हातामध्ये स्मार्टफोन असते त्या लोकांना म्हणजे आता सवय झाली आहे, UPIच्या माध्यमातून पेमेंट होतात, त्यामुळे या ऑनलाइन गेमिंग मध्ये फार म्हणजे काही म्हणजे चुकीचे प्रकरण वाढत गेलेले आहे, त्याला नक्कीच आवडण्याची गरज आहे। गोंदिया से BCN न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।